और अब बात करेंगे गरियाबंद की। कछुआरा ब्लॉक में बोलड़ा नाला बांध की सफाई और मुरम डालने के लिए मनरेगा से 14 लाख रुपए स्वीकृति हुए थे, लेकिन ठेकेदार ने स्वीकृत काम को मजदूरों से न कराते हुए जेसीबी मशीन के माध्यम से करा दिया। फूलझर के सरपंच और रोजगार सहायक को भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, जबकि मनरेगा के कार्य में रोजगार सहायक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एसडीओ ने सरपंच पति के कहने से मनरेगा के कार्य को ठेके में दे देना और ठेकेदार ने उस काम को जेसीबी मशीन से करा दिया। मेरे को कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास एक्सीमेंट या कुछ भी ऐसे कागज किसी भी प्रकार का आया नहीं है, कुछ नहीं जानती मैं इसके बारे में। कौन कराया वो? मुरमुरा से एक काम, मैं तो वर्क का कोड भी नहीं खुली थी, खुला है और ना ही जियो टेकिंग की हूँ। जियो टेकिंग में नहीं हुआ है? पूरे मरेगा का हुआ है काम बता रहे हैं। मुझे कुछ भी पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। पूरे अमाउंट मानू मरेगा के लिए तो पंचायत को दिया गया है ना, हमारे विभाग से अंतर्गत नहीं है ये, मान हमारा है लेकिन ये जो सेंक्शन हुआ है पंचायत को अधिकृत। तो तस्वीरें गरियाबंद जिले की है, जहां पर काम के लिए मनरेगा से 14 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे और काम जो है मजदूरों से कराना था, पर मजदूरों से काम नहीं करा के जेसीबी से काम करा दिया गया, जमकर यहां पर ठेकेदार ने धज्जियां उड़ाई है नियमों की। मनरेगा के नाम पर मनमानी यहां पर लगातार हो रही है। जेसीबी से मनरेगा के तहत काम कराया गया है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए लोकेश सिन्हा जुड़ गए हैं। लोकेश, मनमानी यहाँ पर हम साफ तौर पर देख रहे हैं, पहले सबसे पहले समझना चाहेंगे आपसे पूरा मामला। जी, ये मामला गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक के अंतर्गत पांडकर रेंज का है, जिसमें एक बांध निर्माण बांध के मेड़ में उसमें मुरुम डालना था, जो एक ठेकेदार द्वारा सरपंच पति के माध्यम से सिंचाई विभाग द्वारा उनको कार्य करने की अनुमति दे दिया गया, जिसमें उन्हें रात में जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर के माध्यम से महज वहाँ पर काम किया गया है। और वहाँ पंचायत फुलझर पंचायत के सुनीति ध्रुव सरपंच जो है, उनसे जब हमने सवाल किया तो उनका कहना है कि ये काम किसने किया, कब किया, क्या किया, हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। रोजगार सहायिका द्वारा भी यही बोला गया है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही हम इसमें जीपीएस कोई का ये ही नहीं है, तो ये काम कैसा हुआ हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इस मामले में अपन सिंचाई विभाग के एसडीओ डीएल साहू का भी कहना है कि पंचायत के माध्यम से सरपंच के पति और एक ठेकेदार जो उनसे मिलने आए थे, हमने उन्हीं को काम दे दिया है, ऐसा उनका कहना है। जी, पर मनरेगा के नाम पे मनमानी आखिर क्यों हो रही है, कौन ये सब कर रहा है, किसकी मिली भगत है, मजदूरों को काम क्यों नहीं मिल रहा? मजदूरों को तो काम नहीं, मजदूरों की बात की जानकारी ग्रामीण एरिया में किसी को भी नहीं है, और रात में ही वहाँ जेसीबी और ट्रैक्टर के माध्यम से काम करा दिया गया। जब हमने पंचायत के सरपंच से पूछा तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमें इनके बारे में जानकारी नहीं है, और जबकि उनके पति के द्वारा सिंचाई विभाग में जा करके एडीओ से काम लिया गया और ठेकेदार को एक काम दिया गया, और ये भी सूत्रों से मिल रही है जानकारी कि जो ठेकेदार वहाँ काम किया है वो सरपंच, उन्हें पता ही नहीं है कि ये काम हुआ है। जी, सरपंच बिना स्वीकृति के सरपंच पति ये काम करवाते हैं और सरपंच को पता भी नहीं होता। जी, सरपंच को पता नहीं है और ना ही वहाँ कोई पंच इस बारे में कोई बता पाए। अभी अधिकारियों से कुछ बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है, मामला संज्ञान में आया है? मामला संज्ञान में आया, इस मामले को लेकर जनपद पंचायत छुरा के द्वारा जांच समिति बनाया गया है, जांच समिति में वहाँ जांच किया गया, उनके जांच में यह कहा गया है कि यह मामला पंचायत का, तो पंचायत के द्वारा कोई जानकारी हमें नहीं दिया गया है, यह सिंचाई विभाग जानेंगे, ऐसा उनका कहना है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। यहाँ रुकना छोटा सा ब्रेक के लिए।